सबको मिस कर रहे हैं VNVS के सारे, और जो जो देख रहे हो ब्लॉग शेयर करो, आकाश के नाम पे लाइक ठोक दे। ये भाई ये तरीका होता है लाइक है ना। बहुत साल गाइस बहुत मजा आया स्विम करके, लेकिन मेरा ना ये वाला चीज नीचे लग गया, इसका हाइट बहुत छोटा है, देख रहे हो ना, हाइट इतना कम है, मैं क्या ही बोलूं, मैं अभी खड़ा हूँ ना, लेकिन रूम एक नंबर है इनका, नीट एंड क्लीन, छोटी है, इससे बड़ा तो मेरा कच्चा है साला। भाई ये कैल्विन क्लीन है, वन है ना, हाँ हाँ, ब्रांड अपना भाई बनाएगा तेरा, दास बाबू ब्रांड बनाएगा, दास बाबू ब्रांड। चलो तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। जैसे कि टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को तो पता लग गया, वैसे आज का ब्लॉग बहुत मज़ेदार होने वाला है। लाइक मैं कल होके आ गया, मतलब इंट्रो बनाना भूल गया, और रूम टूर वगैरह पूल में कैसे किया हम लोगों ने एंजॉय किया। सो गाइस एक्चुअली मेरा एक दोस्त आया था कोलकाता से, मतलब वो दिल्ली से आया हुआ कोलकाता, फिर कोलकाता से अपने फ्रेंड के साथ दीघा आया हुआ था, तो बहुत साल हो गए हम लोग मिले नहीं थे, और स्कूल का बहुत अच्छा दोस्त था। वैसे ब्लॉग में तो आपको पता लग गया कौन है कौन नहीं, पता लग जाएगा मतलब, और जो जानते हैं स्कूल टाइम से हम दोनों को, या जो मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं, मेरे ब्लॉग्स वगैरह देखते, तो उनको भी जानते, मतलब उसको भी जानते होंगे आप लोग। बाकी मैं कल गया हुआ था, वो जहाँ पे रुका हुआ था, तो मेरा ब्लॉग बनाने का कोई भी प्लान नहीं था, क्योंकि मैं गया था ऐसे जस्ट एंजॉय करके आ जाऊँगा, लेकिन उसने खुद बोला भाई अच्छा कंटेंट मिल रहा है, होटल का एक रिव्यू वगैरह दे दिया, और पूल में हम लोगों ने बहुत टाइम तक नहाया, सब चीज़ ब्लॉग में मिल जाएगा आपको। और होटल का प्राइस इतना सस्ता है ना, मतलब बेहोश हो जाओगे आप भी सुनकर। बाकी ब्लॉग में बने रहो, चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टा फेसबुक में फॉलो नहीं करते तो फटाफट जाकर फॉलो कर लो, एंड हाँ ये वाला ब्लॉग शेयर करो जितना हो सके, क्योंकि मस्त होटल है और रूम टूर वगैरह सब दूंगा, सो एंड तक देखना एंड प्लीज़ शेयर करो। बाकी चलो ब्लॉग एंजॉय करो। सो ऑलराइट गाइस, ये कुछ होटल का फ्रंट व्यू। एक्चुअली मैं सुबह से जाने वाला था उनके साथ एंजॉय करने, लेकिन बारिश इतनी हो रही थी तो मैं शाम को गया था, और शाम से थोड़ा सा डार्क था तो फ्रंट व्यू में कुछ दिखाई नहीं पाया, इसलिए मैंने पिक्चर्स कुछ शो कर रहा हूँ। और ये इनका पूल है, पूल का एरिया ऐसा है, और रूम का ऐसा है, बाकी रूम टूर देता हूँ आपको। सो गाइस ये पिक्विन का लॉन है, लॉन इतना मस्त है ना मैं क्या बताऊँ। चलो अभी रूम पर चलते हैं, और रूम में एंट्री करते ही एक शीशा है, और यहाँ पे काफ़ी सारे सामान आकाश के हैं, सारी चीज़ें। बाकी इस साइड ड्रॉयर टाइप का है, और ड्रॉयर में ड्रेस वगैरह रख सकते हो आराम से, और नीचे वगैरह कुछ भी सामान रख सकते हो आप लोग, जैसे शूज़ वगैरह हो गए। बाकी रूम नीट एंड क्लीन है, और यहाँ हो गए, यहाँ मेनू है खाने का, मेनू दिखाता हूँ बाद में। और यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट, एक गुलदस्ता रखा हुआ है, टेलीफोन, और बेड ऐसा है, बेड बहुत मस्त है। वैसे हम लोगों ने सुबह से रहा ना तो ऐसा हो गया बिल्कुल। बाकी बेड और एक सोफ़ा टाइप का है इधर बैठने के लिए, मस्त। इधर भी एक चार्जिंग पॉइंट है, और अभी पूल में जाएंगे ना इसलिए मैं ड्रेस वगैरह चेंज कर लिया। यहाँ भी मस्त, यहाँ पर एक छोटा सा फ्रिज है, फ्रिज में कुछ भी नहीं है, मतलब मिनी फ्रिज है। बाकी ये टी वगैरह बनाने के लिए सारे पाउच, जो अभी हमारे बैग में ही जाएगा सारे चीज़, टी वगैरह है, और ये टी बनाने के लिए जैसे रहता है, और लिखा हुआ इनका द पी कुजीन। वैसे होटल बहुत सस्ते मिला वो मैं बताऊंगा। इधर डस्टबिन है, और इधर कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखा है, टी भी मस्त है, एसी बहुत बढ़िया है, और रूम नीट एंड क्लीन है। बाकी मैं बेल्कनी दिखाता हूँ, और मैं अभी बेल्कनी में आ गया। वैसे बारिश हो रही है हल्की हल्की सी, और रात का नज़ारा देख रहा हूँ, इतना प्यारा नज़ारा, बहुत बढ़िया लग रहा है, इस साइड तो बहुत बढ़िया लग रहा है, एक नंबर व्यू है। बाकी वॉशरूम दिखाता हूँ इनका। सो गाइस अभी वॉशरूम में चलते हैं, तो मैं अभी रेडी हूँ, वैसे पूल में जाऊँगा इसीलिए। बाकी यहाँ पे कुछ टॉयलेटरीज, साबुन वगैरह सारी चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये सब तो अपना ही है, आकाश का ही है ये सब अपना। बाकी वॉशरूम सही है, शावर रूम अलग से है, ग्रीजर भी लगा हुआ है, इधर मस्त है पूरा, बहुत मस्त है ये।
बैठ गए, अभी स्विमिंग पूल में गया था और आकाश अभी छुप रहा है, कह रहा है मेरा तोन बहुत ज़्यादा, ये देख रहा हूँ पीछे आकाश है। वैसे फ़ोन लेने आया था, फिर पूल में जा रहा है और पूल में बहुत मस्ती करने वाले। बाकी रूम टूर तो आप लोगों ने देख लिया और इसका प्राइस बताऊँगा कितने का पड़ा है ना, वो लास्ट में बताऊँगा। बाकी अभी पूल में चलते हैं। सो फाइनली गाइस, हम लोग अभी जा रहे हैं स्विमिंग पूल में, वो भी रात को 7:30 बजे है ना आकाश। और अंधेरा कायम रहे, वैसे मैं लेट आया इनके रूम पर और ये लोग बहुत एंजॉय किया। होपफुली कि मैं दोबारा आऊँगा और बढ़िया से एक ब्लॉग बनाऊँगा। ये ब्लॉग अभी छोटी सी होगी। और आकाश मेरा वैसे स्कूल मेट है, स्कूल टाइम से बहुत अच्छा दोस्त है। फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं, चलते हैं पूल में, बाकी मिलाता हूँ सबसे। गाइस पूल में उतरने से पहले ये सारा पढ़े लेना, पूल सेफ्टी गाइडलाइन, स्विमिंग टाइमिंग 8 AM to 7 PM, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ पूल 4 फीट, नो डाइविंग, नो फूड बेवरेज अल्कोहल, स्विमिंग स्टीम मैंडेटरी, सॉफ्ट शैम्पू नॉट अलाउड, ये सब पढ़ लो सारे चीज़ें, उसके बाद स्विमिंग पूल में उतरना। बाकी मैं उतरने जा रहा हूँ और बहुत मस्ती करेंगे वैसे। सो गाइस पूल का एरिया देख रहे हो, मैं बिल्कुल चल रहा हूँ। वैसे स्विमिंग कॉस्टिंग इन्होंने दिया है, लेकिन काफ़ी छोटा सा स्विमिंग कॉस्टिंग है यार, वो बहुत प्यारा लग रहा है। वाओ जस्ट फैंटास्टिक, मतलब दीघा में ऐसे कुछ होटल्स है, ये भी बहुत मज़ेदार चीज़ है यार। ब्रो लेट्स चीयर्स आवर फ्रेंडशिप। कत बचर हो गल रे? या मजा आ दीघा इसे गाड़ी चलिए कम मजा इससे। इट्स नाइस, लाली बहुत प्यारी है। ए दाड़ा दाड़ा। अगर फोन गिर गया ना, फोन खत्म। वो बहुत मजा आ रहा गाइस। वैसे पानी नीट एंड क्लीन है, लेकिन पता नहीं कैसा पानी है, सब ये करके जाते हैं पानी में, मुझे पता है। और रूम का ये लोकेशन देखो, बहुत प्यारा है। गोवा लाइट है, गोवा लाइट है, गोवा लाइट। कैसा लग रहा है मेरा, क्या फिट आया भाई? बहुत अच्छा है। स्विमिंग कॉस्टिंग काफी छोटी है, इससे बड़ा तो मेरा कच्चा है साला। भाई ये कैल्विन क्लीन है। ये कौन है ना? हाँ हाँ। ब्रांड अपना भाई बनाएगा तेरा, दास बाबू ब्रांड बनाएगा, दास बाबू ब्रांड। चलो अब स्विमिंग कर लू, उल्टा स्विमिंग। ओके इसकी जरूरत नहीं पड़ती यार मुझे। You know, need that. तू साला स्विमर है ऑलरेडी। I'm a good swimmer, bro. So what about me? You are a good also, but I don't trust you anymore. You can't trust me because we live in pool. Guys, बहुत मजा आया स्विम करके, लेकिन मेरा ना ये वाला चीज नीचे लग गया। इसका हाइट बहुत छोटा है, देख रहे हो ना, हाइट इतना कम है, मैं क्या ही बोलूँ। मैं अभी खड़ा हूँ ना, लेकिन रूम एक नंबर है इनका, नीट एंड क्लीन है। और स्विमिंग पूल भी बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा, सीरियसली। वैसे आकाश मेरा ना स्कूल टाइम का फ्रेंड है, अगर काम यार स्कूल टाइम का फ्रेंड है, तो ये आया हुआ था इधर, मुझे कल से बोल रहा था, मैं आने का टाइम नहीं था, एडिटिंग के चक्कर में लगा हुआ था, अभी आया और काम वाम करके रात को आया। लेकिन मजा यार शाम का टाइम ना, फाइनली रूम बढ़िया है यार इनका, है ना। I don't know, you ask him. Yeah. Yes, sir, nice room, guys. And मस्त है, मस्त। गाइस जब मैं दिल्ली पहली बार गया था स्कूल में, और ये मुझे मिला था, ये भी बहुत पतला सा था और मैं भी बहुत पतला सा था। बात बोल क्या हूँ अभी, लेकिन ये पतला नहीं है, मैं पतला हूँ अभी तक। वैसे दो दिन हो गया यहाँ आया, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं कर पाया थोड़ा काम के सिलसिले में, सॉरी ब्रो। लेकिन अगर सही रहा तो सुंदरबन का पक्का है ना, सुंदरबन चल रहे हैं। बाकी इनका टाइम हो गया वैसे 7:30 का टाइम था, या वैसे 7:30 का टाइम हो गया, लेकिन हम लोग जबरदस्ती पानी में घुसे हुए हैं अभी तक, और अभी उठते हैं। बाकी रूम में जाके सारी बातें करते हैं। थैंक यू जगन्नाथ दादा बोले, थैंक यू। तुम्ही हमारे ब्लॉगे आसो, किंतु हमारे यूट्यूब चैनल आछे, सर्च करे देखे नहीं, ओके। बाकी नाइस यार पूल ओवरऑल, नाइस। थोड़ा हाइट होता ना अच्छा लगता, वैसे हाइट कम है मेरा, ये लग गया, ये लिप्स लग गए। गाइस मैं डूबने गया, मतलब लाइक तैर रहा था अंदर से, और ये लग गया पूरा। ये एका कैनो अब
VNVS के सारे और जो जो देख रहे हो ब्लॉग शेयर करो, आकाश के नाम पे लाइक ठोक दो। ये भाई ये तरीका होता है लाइक है ना, बहुत साल बाद मिलेगा सीरियसली बहुत ज्यादा। बाकी हम लोग सेल्फी वगैरह ले रहे हैं, मुझे इंस्टा पे फॉलो करना है, इसको भी इंस्टा में फॉलो वॉलो कर दो और VNVS के जितने सारे स्टूडेंट हो शेयर करो। एंड वी रिस्पेक्ट आवर स्कूल टीचर्स आल्सो जस्ट बिकॉज़ ऑफ देम वी आर हियर। बाय बाय, अभी रूम पे चलते हैं फिर बाकी बात करते हैं। ओह ये वाला भी सही है यार, लेकिन इधर कम पानी है बहुत ज़्यादा। और दीघा में वैसे पहली बार देख रहा हूँ ऐसे स्विमिंग पूल वाला, होपफुली कि जल्दी आऊँ और एक बार और अच्छे से मैं इसका रिव्यू करूँ। वैसे ये मेरे फ्रेंड्स हैं, मतलब आकाश के फ्रेंड्स हैं, ये लोग भी आए हुए हैं कोलकाता से, तो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। कौशिक मज़ा आ रहा ना यार, एक दो दिन टाइम लेके आते तो मेरे घर भी रुक जाते यार आराम से। चलो बाय, थैंक यू दादा, आपने बहुत एक्स्ट्रा टाइम दिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू दादा। बाकी जो भी पिक्विन में बुक करोगे तो दादा रहेंगे, और इनका पूल तो बहुत प्यारा पूल है, बहुत मजा आया वैसे सीरियसली। पूल से नहा के थोड़ा सा निकले हैं, आकाश आगे गया हुआ है लाइक थोड़ा पैसे वगैरह विड्रॉ करने, और देख रहे हो इतना बढ़िया मौसम हो रहा है, अभी बारिश हुई थी ना तो लाइक बहुत अच्छा लग रहा है, जस्ट ऑसम वेदर हो रहा है दीघा में। और पिकुजिन का रिव्यू तो एक नंबर भाई, होटल के साथ जो प्राइस है ना वो प्राइस मैं थोड़ी देर में बताता हूँ कितने का पड़ा हमें रूम, लेकिन एक नंबर सर्विस है और होटल्स मतलब रूम उसका एक नंबर है, एक नंबर। सॉलिड गाइस, अभी जस्ट पूल से आया और पूल से आके सावर लिया, अभी आकाश नहा रहे, फिर वो आके थोड़ा सा बात करके मैं घर निकलूंगा। बाकी उम्मीद करता हूँ ओवरऑल ये वाला ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर दीघा के अंदर विथ स्विमिंग पूल वाला रूम चाहिए या होटल चाहिए तो पिकुजिन में लाइक आप लोग चेक इन कर सकते हो, या ऑनलाइन जाके चेकआउट कर सकते हो, लाइक प्राइस वगैरह क्या है। जो हमें पड़ा ही है 1800 मतलब 1800 रुपये का पड़ा विथ पूल के साथ, और खाना वगैरह वो इंक्लूड नहीं है, वो अपना जो भी खाना वगैरह खाओगे तो उसके हिसाब से वो इंक्लूड करेंगे। बाकी तो मुझे रूम अच्छा लगा, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और प्लीज़ जितना हो सके ब्लॉग को शेयर करना। एंड गाइस, उम्मीद करता हूँ ये वाला ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना रेड कलर के सब्सक्राइब बटन प्रेस करके। बाकी पिक्यूजिन का सारे डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप लोग जाके एक बार चेकआउट कर लेना, और प्राइस वगैरह अप डाउन होता रहता है, यानी कि 1800 में हमें मिला तो आपको मिलेगा, वो टाइम के हिसाब से, सीजन के हिसाब से, ओकेशन के हिसाब से वो अप डाउन होता रहता है। बाकी मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।